अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुरादाबादी पोटली पुलाव। ये बहुत ही कम मसालों के साथ बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। चलिए आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें गोश्त की यखनी की तैयारी कर लेनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन ली हूँ और यहाँ पे 4 टेबल स्पून सौंफ और 4 टेबल स्पून अक्खा धनिया है। इसकी हमें इस तरह से कपड़े में डाल के एक पोटली बना लेनी है। और ये 3/3 कप या 1/3 कप इसमें लहसुन है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ को प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर ली हूँ। अब हम पहले सबसे पहले इसकी पोटली तैयार कर लेंगे सौंफ और धनिया की, इसमें डाल के इस तरह से इसकी पोटली बना लेंगे। ये देखिए मैंने सौंफ और धनिए की पोटली बना ली। पोटली हमें थोड़ी इसकी ढीली रखनी है, लूज, क्योंकि ये जब हमारे गोश्त में यखनी में गलेगी तो फूल जाएगी, इसलिए इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे हम एक कुकर लेंगे, इसमें हम अपने मटन को ऐड कर देंगे। मटन को मैंने ऐड कर ली हूँ। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने यहाँ पर गो मटन को हड्डी वाले ली हूँ साथ में, हड्डी के। आप चाहे तो सिर्फ बिना हड्डी का भी मटन इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारी पोटली ऐड कर देंगे इसमें और 2 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमें इसकी यखनी बनानी है, इसके लिए हमने इसमें टोटल 4 गिलास पानी ऐड करे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसका ढक्कन लगा करके हम इसमें सीटी ले लेते हैं। कुकर को मैंने गैस पे रख दी हूँ, फास्ट गैस पे। इसे हमें फास्ट गैस पे इसके 1 सीटी आ जाए, फिर हम इसकी गैस को आँच को स्लो कर देंगे और इसमें 4 से 5 सीटी हम ले लेंगे ताकि हमारा गोश्त सही से गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें सीटी ले। चलिए ये हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी यखनी हो गई है रेडी। और इसका मैंने गैस पे से उतार ली कुकर को, इसका प्रेशर भी अपने से रिलीज़ हो गया। अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका कुकर का ढक्कन खोल दी हूँ। अभी हमें इसे पहले तो हमें ये पोटली को अलग से निकाल लेनी है इस तरह से और इसे ठंडा कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से कटोरे में पोटली को निकाल ली हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, ये थोड़ी ठंडी हो जाए फिर हम इस पर हल्का पानी डाल करके इसमें से भी इसका फ्लेवर अच्छे तरह से दबा दबा के निकाल लेंगे। और अब हम कुकर में से गोश्त को यखनी में से अलग कर लेते हैं, इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए गोश्त को मैंने निकाल ली हूँ यखनी में से, इसे हम एक साइड रख लेंगे। और यखनी को हम इस तरह से एक छन्नी रख करके छान लेंगे। ये देखिए यखनी को मैंने अच्छी तरह से छान ली हूँ। अब हमें इसे इस तरह से इसमें से सब इसका फ्लेवर निकाल लेना है प्रेस करते हुए इस तरह से। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे दबा दबा करके पूरा इसका पेस्ट को पूरा ये कर ली हूँ, निकाल ली हूँ। और इसका ये जो बच गया है अब हम इसे फेंक देंगे और यखनी को भी एक साइड में रख लेंगे। ये देखिए पुलाव को बघारने के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर ली हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 8 से 10 हरी मिर्ची को मैंने बीच में से चीर ली हूँ। और ये 1/2 कप इसमें दही ऐड करेंगे, इसे भी मैंने इसका पानी पूरा छान के इसे रख ली हूँ साइड में। और ये हमारे चावल है जिसे मैंने 1 घंटा भिगा ली थी,
बासमती चावल है 500 ग्राम। और यहाँ पे ये कुछ गरम मसाले हैं, इसमें दो चक्री फूल है, दो बड़ी इलायची है, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं, 4-5 टुकड़े लौंग और 8-10, 7-8 टुकड़े लौंग के हैं और 4-5 टुकड़े हरी इलायची के हैं और 1/2 टीस्पून शाहजीरा है। चलिए आइए अभी हम इसे बघारते हैं। ये देखिए एक पैन में मैंने 1/3 कप ऑयल को गरम कर ली हूँ। प्याज डालेंगे और साइड में हम गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए गरम मसाला हमारा थोड़ा फ्राई हो जाए फिर हम प्याज को इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला डालने के बाद 2 सेकंड के बाद इसमें प्याज ऐड करिए। ये देखिए हमारा गरम मसाला हो गया फ्राई, अब हम इसमें प्याज को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का ही इसका कलर ना चेंज होए उतना ही हमें इसे पकाना है। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, हम इसमें हरी मिर्ची डाल के मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़ी और फ्राई हो जाए उतना हम इसे पका लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी नरम हो गई है, बस इतनी हमें इसे नरम करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है। अब हम अपने अदरक लहसुन इसमें डाल करके इसे प्याज के साथ भून लेंगे अच्छे से। मिर्ची इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना तीखा खाते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से भून ली हूँ 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे अपने मटन को, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गोश्त को मैंने मिक्स कर ली हूँ। मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर दें अगर नहीं डालना चाहते तो। अभी इन्हें अच्छे से थोड़ा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गया इसे भूनते हुए। थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और जो दही हमने यहाँ पे निकाल के रखी थी वो भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे इसे। ये देखिए दही डाल के मैंने इसे मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्लो गैस पे भुनेंगे, पकने देंगे, मतलब ढक्कन ढक करके बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। आपको जब भी इसमें मसाले में ज़रूरत लगे थोड़ा पानी ऐड करने की आप अपने हिसाब से ऐड करते रहिए, इसे भूनते रहिए। ये देखिए मैंने अच्छे से गोश्त को मसालों में भून ली हूँ, आप देख सकते हैं इसका तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें अपनी यखनी डाल देंगे। चावल मेरे 2 गिलास थे, 2 कप 2 गिलास थे फुल भर के, 1 गिलास मेरा 1.25 किलो का माप का था तो 2 गिलास मेरे थे, उसके हिसाब से मैंने यखनी 3 गिलास ली हूँ अपनी। यखनी मेरी थोड़ी कम निकली थी 3 गिलास से, 2.5 गिलास के करीब थी मैंने मापी थी तो, और उसमें 1/2 गिलास मैंने फिर अपने जो मैंने पोटली बना के रखी थी उस पर पानी डाल के उसमें से दबा दबा के उसका भी फ्लेवर निकाल के यखनी को मैंने 3 गिलास कर ली थी। अब हमारी यखनी में उबाल आ जाए फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी यखनी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें आप अपने इस स्टेज पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करें। ये देखें हमारे चावल पक रहे हैं, इसका पानी थोड़ा सूख जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा चावल पकते हुए इसमें 5 से 7 मिनट हो गया है। अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, ये पानी पूरा हमारा सूखे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे चावल का पानी सही से सूख गया है। अब हम इसमें हल्का सा फूड कलर डालेंगे, थोड़ी सी फ्राई करी हुई प्याज, थोड़ी सी कोथमीर, अब हम इसे ढक्कन ढक करके दम पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें भाप भी आ गई है दम होते हुए। अब हम इसका चावल निकालेंगे, ये देखिए मैं इसे आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मुरादाबादी पोटली पुलाव बनकर के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।